सो भाई लोगों, इसका जो कलर है वो एकदम इंस्टेंटली चेंज हो रहा है। जैसे ही आप धूप में लेकर के आओगे, आपको कोई वेट नहीं करना पड़ेगा। सो भाई साहब, बात करूँ इसकी इनहैंड फीलिंग की, तो बहुत खतरनाक सी फीलिंग आ रही है। और यदि ये मोबाइल आपके पास आ गए तो सच बोल रहा हूँ, धुर्राटे काट देगा। हर कोई आपसे पूछेगा कि भाई कौन सा मोबाइल है, और बहुत प्रीमियम लुक लग रहा है। नमस्कार, सो कैसे हैं आप? स्वागत है दोस्तों आपका एक और नए वीडियो में। और दोस्तों, आज हम लेकर के आए हैं आपके लिए एक अनबॉक्सिंग वीडियो। आज हम रिव्यू करने वाले हैं इस आईटेल के ब्रांड न्यू फोन को, जिसका मॉडल नंबर है S23। दोस्तों, जैसे कि आप देख रहे हैं कि ये मोबाइल देखने में काफी ज्यादा प्रीमियम क्वालिटी हमें बैक साइड से देने वाला है, क्योंकि इसके ऑलरेडी काफी सारे वीडियो यूट्यूब पर आ चुके हैं और कुछ वीडियोस को मैंने भी देखा। तो भाई, ये फोन मुझे बड़ा पसंद आया। और भाई, अभी देखते हैं कि ये फोन एक्चुअल में जो मेरी एक्सेप्टेशन इस फोन से थी ऑनलाइन देखने के बाद, वो कंप्लीट होती भी है या फिर नहीं। सो गाइज, यहाँ पर इसके कुछ स्पेसिफिकेशंस जो कि पीछे की तरफ लिखे हुए हैं, सबसे पहले इनके बारे में बात करेंगे। और यहाँ पर दोस्तों, एक बड़ा हाईलाइट ये है कि यहाँ पर आपको वन टाइम स्क्रीन रिप्लेसमेंट मिल रहा है, यानी कि आपके फोन के साथ कोई भी डैमेज होता है स्क्रीन के साथ, तो आपको वन टाइम इसका स्क्रीन रिप्लेसमेंट मिलेगा। बात करें दोस्तों इस मोबाइल की रैम की, तो यहाँ पर हम 16 GB तक इसकी रैम को बढ़ा सकते हैं, और साथ में 128 GB तक इसकी रोम को एक्सटेंड कर सकते हैं। दोस्तों, अगर बात करें इसके कलर की, तो यहाँ पर हमें दो कलर ऑप्शन मिल जाते हैं, एक स्टेरी ब्लैक और एक मिस्ट्री व्हाइट। सो दोस्तों, यहाँ पर अपन ने मिस्ट्री व्हाइट मंगवाया है। और यहाँ पर दोस्तों आप देख सकते हैं, कलर चेंजिंग अल्ट्रा स्लिम डिजाइन इसका है, जो कि इसका ब्लैक जो पैनल है, यानी कि जो व्हाइट कलर वाला फोन है, इसमें बैक पैनल पर कलर भी चेंज होते हैं। डिस्प्ले काफी अच्छा है, 6.6 इंचेस का डिस्प्ले है, साथ में हमें 90 Hz की इसकी जो है रिफ्रेश रेट मिलती है, तो काफी अच्छा एक्सपीरियंस इसके साथ होने वाला है। और यहाँ पर फुल HD+ IPS डिस्प्ले है इसका। इसके अलावा दोस्तों, यहाँ पर 5000 mAh की हमें बैटरी इसमें मिलती है, यानी कि लॉन्ग टाइम ये चलने वाला है। और साथ में दोस्तों, यहाँ पर टाइप सी चार्जिंग वाला ऑप्शन मिलता है। और दोस्तों, यहाँ पर आपको साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट सेंसर का ऑप्शन भी मिल जाता है। सो फटाफट से दोस्तों, इसे करते हैं अपन अनबॉक्स, यानी कि करते हैं इसे ओपन। तो चलिए दोस्तों, यहाँ पर इसका करते हैं हैप्पी बर्थडे। और पता नहीं मेरा कहाँ गया, ओहो मिल गया, ये रहा भैया अपना हैप्पी बर्थडे टू यू। सो गाइज, यहाँ पर इसका हैप्पी बर्थडे अपन ने कर दिया, और जिसका भी हैप्पी बर्थडे हो भाई, उसके लिए मेरी तरफ से बहुत बहुत हैप्पी बर्थडे। इसे दोस्तों यहाँ से इस तरीके से अपन ने काट दिया, और इसके बाद हटाते इसको। ओहो, डब्बे की पैकेजिंग अच्छी है, वैसे बाकी ओवरऑल पैकेजिंग भी अच्छी थी। वैसे दोस्तों, ये अपन ने मंगवाया है अमेजोन से, और यहाँ पर इसकी पैकेजिंग काफी अच्छी मुझे मिली थी, जो कि मैंने स्किप कर दिया। वैसे बेसिकली उसमें कुछ रखा नहीं है, बेसिकली तो इस बॉक्स में है। और यहाँ पर दोस्तों, सील वगैरह अगर नहीं लगी हो तो मोबाइल नहीं लेने का। अभी अपन ने ले लिया, तो इसका भी हैप्पी बर्थडे करना पड़ेगा। सो गाइस, यहाँ पर तो भाई साहब, ऊपर की तरफ ही अपन को ये अपना मोबाइल मिल जाता है, और ऋतिक रोशन भाई साहब मोबाइल का ऐड कर रहे हैं S23। हमारा फोन है, मॉडल नंबर भाई साहब, ये सैमसंग वाला S23 नहीं है, ये आईटेल का S23 है। बेसिकली दोस्तों, मैं फर्स्ट टाइम आईटेल का फोन इस्तेमाल करने वाला हूं, तो आपके साथ अपना एक्सपीरियंस जरूर शेयर करूंगा। जैसे कि मैंने बाकी सारी चीजों को बताया था, यहां पर भी हाईलाइटेड है, लेकिन दोस्तों यहां पर एक चीज और हाईलाइटेड की गई है, जो कि मैं आपको बता देता हूं। यहाँ पर हमें 50 MP का अल्ट्रा कैमरा मिलता है। अभी ये अल्ट्रा के अल्ट्रा वाइड है या फिर नहीं है, वो इस वीडियो में आगे की तरफ बात करेंगे। और दोस्तों, ये है एक कलर चेंजिंग फोन। सो गाइस, इसका जो प्राइस है, वो सुनकर के आप थोड़ा सा दंग रहने वाले हैं। कई लोगों को पता भी होगा कि इसका जो प्राइस है केवल 8,799 रुपए, यानी कि आपको 9,000 के बजट में कलर चेंजिंग बैक पैनल के साथ मोबाइल मिलने वाला है। सो गाइस, यहाँ पर सबसे पहले मोबाइल को रखते हैं साइड में, और देखते हैं कि इसके साथ हमें और क्या क्या ऐसी चीजें मिलती हैं। सो इसे हटाते हैं कुछ इस तरीके से। वैसे दोस्तों, मैं कोई प्रोफेशनल अनबॉक्सिंग वाला व्यक्ति नहीं हूं। सो गाइस, यहां पर अनबॉक्सिंग आपको अगर ठीक लग रही है, तो फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, और हाँ, वीडियो को लाइक शेयर भी करना है यार। यहाँ पर दोस्तों, हमें वन टाइम स्क्रीन रिप्लेसमेंट के लिए ये एक बाउचर कार्ड मिल जाता है, ऑफर कार्ड मिल जाता है, लेकिन यहाँ पर एक समस्या है कि आप 100 डे के अंदर ही यदि कोई प्रॉब्लम आती है तो स्क्रीन रिप्लेसमेंट करवा सकते हैं। मतलब ये ठीक ठाक नहीं लगा मुझे। और इसके बाद दोस्तों, हमें मिलता है ये वारंटी कार्ड आईटेल की तरफ से। यहाँ पर हमें मिल जाता है यूजर मैनुअल, जो कि किसी काम का नहीं, हम पढ़ते वढ़ते थोड़ी ना, हम तो डायरेक्ट चलाते हैं। और इसी के साथ इसका रखा है प्यारा सा केस, जो कि देखने में काफी मस्त लग रहा है यार, और ये है एकदम सॉलिड। सो गाइज, ये रहा है इसका सॉलिड बैक पैनल, जो कि आप देख सकते हैं मेरा
रिंग लाइट इसमें कैसा रिफ्लेक्ट कर रहा है। सो गाइस काफी अच्छा तो नहीं बोल सकते, मतलब थोड़ा बहुत ठीक है, और ऐसे वाले बैक पैनल सही बताऊं तो मेरे को बिल्कुल भी पसंद नहीं है। सो गाइस इसको मैं हटा करके अपने मोबाइल के लिए नया वाला बैक कवर जरूर खरीदूंगा। सो गाइस इसे रखते हैं साइड में, वैसे ठीक ठाक है, मतलब दिया तो है। साथ में दोस्त हमें यहाँ पर नॉर्मल से चार्जर मिलता है जिसकी आउटपुट है केवल 10 वॉट की। सो मोबाइल चार्ज तो होगा, फास्ट चार्ज होगा नॉर्मल मोबाइल के, बट आप समझ सकते हैं कि नॉर्मली फोन आपका 2 से 2.5 घंटे के बीच में आराम से पूरा फुल 100% चार्ज होएगा। तो ये भी काफी अच्छी क्वालिटी मुझे लगी, वैसे कोई दिक्कत वाली बात नहीं, फोन अच्छी क्वालिटी में इन्होंने इस बार बनाया है। और यहाँ पर दोस्तों में टाइप सी वाली यहाँ पर केबल भी दी गई है। इसके अलावा ये हमारा रहा सिम एजेक्टेड टूल जो कि इन्होंने नए डिजाइन में बना करके रखा है, ये देखो। सो दोस्तों इस मोबाइल के बारे में आपको एक बात जरूर कहना चाहूंगा कि ये जो मोबाइल है, अभी मैंने चेक भी नहीं किया पर मैं 100% श्योर हूं कि ये जो फोन है वो पैसा वसूल फोन है, क्योंकि इसके स्पेसिफिकेशंस और बाकी सारे इंटरनेट पर वीडियो देखने के बाद ही मैंने इसे परचेस किया था, और जैसा मैंने एक्सपेक्ट किया था मुझे लग रहा है ये मेरी एक्सेप्टेशन से बहुत ऊपर निकल चुका है, क्योंकि मोबाइल हाथ में पकड़ने के बाद काफी बेहतरीन सी फीलिंग आ रही है। तो इन सबको करते हैं साइड और इसका रैपर हटा करके देखते हैं कि आखिरकार ये मोबाइल दिखता कैसा है। मेरे अंदर तो बहुत चुलबुली मच रही है, शायद आप लोगों के अंदर भी मच रही होगी। तो सबसे फटाफट पहले, मतलब सबसे पहले इसको हटाते हैं। तो दोस्तों इसका जो रैपर है वो कुछ इस तरीके से यहाँ से रिमूव होगा, जो कि इजीली यहाँ से रिमूव हो चुका है। ओ भाई क्या है ये देखो गाइस, इसका जो बैक पैनल है वो ग्लास फिनिशिंग में दिया गया है, साथ में इसका कलर चेंज भी होता है, यानी कि इसे हम यदि धूप में लेकर के जाते हैं या फिर अल्ट्रा वायलेट रेज इस पे पड़ती है तो इसका जो बैक पैनल है वो चेंज हो जाता है। और भाई साहब सच बताऊं तो ये मोबाइल हाथ में लेने के बाद मुझे फील हो रहा है कि ये जो मोबाइल है भाई वो S23 ही है, और देख सकते हैं मेरा रिफ्लेक्शन भी इस मोबाइल में बहुत तगड़ा आ रहा है, यहाँ पर मेरे बाल भी अभी नहीं है। सो भाई साहब बात करूं इसकी इनहैंड फीलिंग की तो बहुत खतरनाक सी फीलिंग आ रही है, और यदि ये मोबाइल आपके पास आ गए तो सच बोल रहा हूँ धुर्राटे काट देगा, हर कोई आपसे पूछेगा कि भाई कौन सा मोबाइल है, और बहुत प्रीमियम लुक लग रहा है। मुझे लग रहा है कि भाई साहब ये 2023 का बहुत अच्छा सा मॉडल आईटेल की तरफ से निकाला गया है। 50 मेगापिक्सल का कैमरा है, जिसकी कैमरा क्वालिटी भी हम चेक करेंगे, जो कि वीडियो आपको मैं यहाँ पर रिकॉर्ड करके बताऊंगा, और साथ में दोस्तों हम यहाँ पर कुछ पिक्चर भी क्लिक करेंगे। तो गाइस यहाँ पर फटाफट से मोबाइल को करते हैं ऑन, शायद इसमें बैटरी होगी, वैसे बैटरी रहती तो है। सो गाइस यहाँ पर हमारा आईटेल मोबाइल ऑन हो चुका है, साथ में दोस्तों हमें यहाँ पर साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट सेंसर का ऑप्शन मिल जाता है, वॉल्यूम डाउन अप, ये सारे बटन जो कि नॉर्मली हमें फोन में मिलते हैं। साथ में दोस्तों हमें यहाँ पर 3.5 mm का जैक भी देखने को मिलता है, नीचे की तरफ इसका स्पीकर भी है, और यहाँ पर दोस्तों एक सिंगल माइक ही दिया गया है, यानी कि इसमें नॉइस कैंसलिंग वाला माइक नहीं है। साथ में दोस्तों हमें यहाँ पर सिम ट्रे का ऑप्शन मिलता है, तो सिम ट्रे को अभी हम निकाल करके देखेंगे कि सिम ट्रे में हमें क्या क्या ऑप्शन मिल रहे हैं। सबसे पहले दोस्तों इसे अपन फटाफट से ऑन कर लेते हैं, सारी सेटिंग्स कर लेते हैं, और उसके बाद दोस्तों इसका सिम कंपार्टमेंट देखते हैं कि हमें यहाँ पर सिम कंपार्टमेंट में कैसी फैसिलिटी दी गई है। सो फाइनली गाइस अपना फोन जो है वो ओपन हो चुका है, और काफी स्मूथली ये वर्क कर रहा है, क्योंकि इसमें हमें 90 हर्ट्ज की रिफ्रेश रेट के साथ डिस्प्ले मिलती है, जो कि फुल HD IPS डिस्प्ले है, और गाइस काफी स्मूथ चल रहा है फोन जैसे कि आप देख सकते हैं। साथ में अपन कुछ ऐप ओपन करके देखते हैं कि हाँ ऐप अच्छे से ओपन हो रहे हैं कि नहीं। सबसे पहले देखते हैं इंस्टाग्राम, तो भाई काफी जल्दी जो है हमारा फोन एप्लीकेशंस को ऑन कर रहा है। एक बार फिर से ट्राई करते हैं, कोई दूसरा ऐप करते हैं, यहाँ पर गूगल TV देखते हैं। तो गाइस फटाफट से सारी चीजें ओपन हो रही हैं, बट समय के साथ भी कुछ बदलाव होते हैं, वो भी आपके साथ एक्सपीरियंस शेयर करूंगा। और अभी दोस्तों यहां पर सारे एप्लीकेशन अच्छे तरीके से वर्क कर रहे हैं, और साथ में दोस्तों अभी हम देखने वाले हैं इसका सिम कंपार्टमेंट। सो ये रहा इसका सिम एजेक्टर टूल, और यहां पर दोस्तों वैसे दोस्तों ये वाटर रेजिस्टेंट भी है फोन। तो गाइस हमें यहां पर बढ़िया सा स्लॉट मिलता है, यानी कि 2 सिम हमें यहां पर लगा सकते हैं, साथ में हम SD कार्ड भी इस्तेमाल कर सकते हैं। कई सारे फोन में ये ऑप्शन नहीं मिलता, यानी कि खास करके एप्पल के फोन में तो कुछ मिलता ही नहीं है। और यहाँ पर दोस्तों आपको 9000 की रेंज में बैक पैनल के साथ कलर चेंजिंग का ऑप्शन मिलता है, तो काफी अच्छा फोन आईटेल की तरफ से ये हमें मिल रहा है। अब दोस्तों बात करते हैं इसकी कैमरा क्वालिटी के बारे में, सो गाइस फटाफट से कैमरा ऑन कर लेते हैं। सो गाइस हमने यहाँ पर कैमरे को ओपन कर लिया, और अभी देखने वाले हैं कि इस मोबाइल से हमारी जो फोटोज हैं वो कैसे आने वाली हैं। बाय द वे दोस्तों इन सारी चीजों को इग्नोर करना, क्योंकि हमारा ये इलेक्ट्रॉनिक वाला चैनल है, तो यहाँ पर सारी चीजें इस तरीके से फैली पड़ी हुई रहती है। वैसे फैली नहीं है, जमी तो है, लेकिन हो सकता है कुछ लोगों को फैली हुई लगे। तो सबसे पहले दोस्तों अपन अपने मल्टीमीटर की यहाँ पर पिक्चर क्लिक करते हैं,
और उसके बाद देखते हैं कि इस पिक्चर में कुछ डिटेल हमें मिल रही है कि नहीं मिल रही। तो फाइनली हम फोटो को जूम करके देखते हैं कि कुछ डिटेल हमें मिल भी रही है नहीं। तो गाइज यहाँ पर डिटेल आप खुद देख सकते हैं, कुछ बोलने की जरूरत ही नहीं है। सारी डिटेल काफी खतरनाक तरीके से यहाँ पर आ गई है, जबकि मैंने काफी दूर से इसका फोटो कैप्चर किया था और यहाँ पर हमें सारे जो फॉन्ट वगैरह हैं वो एकदम क्लियर दिखाई दे रहे हैं। तो काफी अच्छी फोटो यहाँ पर ये इंडोर में खींच रहा है। आउटडोर में भी फोटो खींचेंगे, कुछ और फोटो इससे हम खींच करके देखते हैं, उसके बाद इसके वीडियो क्वालिटी को भी हम यहाँ पर देखते हैं। वैसे दोस्तों इसमें आप फुल HD यानी कि 180p पर यहाँ पर वीडियोस को रिकॉर्ड कर सकते हैं 30fps पर। तो काफी अच्छी वीडियो क्वालिटी भी आपको 8000 की रेंज में मिल रहा है यार फोन, जो काफी मतलब 9000 की रेंज में मिल रहा है, तो काफी डिसेंट सी यहाँ पर हमें पिक्चर क्वालिटी मिल रही है। एक दो फोटो और भी क्लिक करके देखते हैं। यहाँ पर दोस्तों अपना M-Seal रखा हुआ है, इसमें देखते हैं कि M-Seal का फोटो कैसा खींचता है। तो गाइज ये आ गया अपना M-Seal का फोटो, और गाइज ये देखिए काफी खतरनाक तरीके से भाई साहब फोटो काफी अच्छी खींच रहा है। अप्लाई मिक्स थ्रूली सारी डिटेल हमें यहाँ पर दिख रही है। सो काफी अच्छी डिटेलिंग के साथ हमें 50 मेगापिक्सल का ये कैमरा मिल रहा है जो कि AI कैमरा है। सो काफी अच्छी फोटो हमें यहाँ पर ये खींच करके इंडोर में दे रहा है। आउटडोर की फोटो भी आपको दिखाता हूँ गाइज। तो चलिए दोस्तों अभी अपन बाहर चलते हैं। सो गाइज बाहर का हम एक टूर करके आ गए और यहाँ पर हमने कुछ वीडियो रिकॉर्ड किए हैं। सो आप ये देख सकते हैं कि काफी प्यारा सा यहाँ पर हमें वीडियो क्वालिटी मिल जाता है। वैसे दोस्तों आपको इसमें थोड़ा सा वाइट दिख सकता है क्योंकि साइड में मेरी रिंग लाइट भी जल रही है। सो काफी अच्छी सी यहाँ पर हमें पिक्चर क्वालिटी देखने को मिल जाती है, और साथ में दोस्तों हमने कुछ पिक्चर भी यहाँ पर ली है। सो वो भी मैं आपको यहाँ पर दिखाता हूँ। इसके बाद दोस्तों हमने ये फोटो वगैरह खींची जिसमें काफी अच्छी से यहाँ पर डिटेलिंग आ रही है। आप देख सकते हैं मिट्टी भी काफी अच्छी डिटेलिंग के साथ हमें यहाँ पर दिखाई दे रही थी। यहाँ पर दोस्तों कुछ पत्ते की हमने फोटो खींची, और बाहर दोस्तों अभी काफी ज्यादा धूप है। सो कुछ इस तरीके की पिक्चर्स हमें मिल रही है जो कि आप देख सकते हैं। काफी कलर काफी अच्छे ब्राइट है, और देख सकते हैं कि फोन में मुझे कोई भी कमी इस रेंज में तो नहीं लग रही है। पिक्चर्स काफी अच्छी खींच रहा है, और फ्रंट कैमरे से भी खींचेंगे इसकी फोटो और देखेंगे कि हाँ मैं कैसा लग रहा हूँ। सो गाइज ये हमने इसके फ्रंट कैमरे से फोटो खींच के जो कि 8 मेगापिक्सल का कैमरा है, और यकीन मानिए ये फोटो आप ही बताइए क्या 8 मेगापिक्सल के कैमरे से कुछ इस तरीके का फोटो खींचा जा सकता है। तो काफी अच्छी प्यारी सी पिक्चर हमें यहाँ पर फ्रंट कैमरे से देखने को भी मिल रही है जो कि केवल 8 मेगापिक्सल का कैमरा है। सो गाइज ओवरऑल मोबाइल मुझे काफी अच्छा लगा, और आपको भी अगर अच्छा लगा तो भाई साहब परचेस कर सकते हैं, कोई इश्यू नहीं है क्योंकि ये अमेजोन पर काफी इजीली अभी अवेलेबल है। तो फटाफट से जाइए अगर खरीदना है तो, मैं आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहां से आप खरीद सकते हैं। और हाँ दोस्तों काफी अच्छी डिटेलिंग है मोबाइल के साथ। साथ में दोस्तों हमें यहाँ पर 5 लेवल तक ब्यूटी का ऑप्शन मिलता है, सो मैंने इस्तेमाल किया हुआ है। और हमें यहाँ पर दोस्तों शॉर्ट वीडियो का ऑप्शन भी मिल जाता है। सो गाइज हम यहाँ पर शॉर्ट वीडियो भी रिकॉर्ड कर सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों हमें यहाँ पर शॉर्ट वीडियो के अलावा और भी कई नए ऑप्शन मिल रहे हैं, जैसे कि सुपर नाइट और बाकी सारे ऑप्शन जो कि नॉर्मल फोन में होते हैं। तो ये सारे ऑप्शन हमें मिल रहे हैं। अब दोस्तों इसका मेन स्पेसिफिकेशन जो कि बहुत ज्यादा बड़ा हाईलाइट है वो है इसका बैक पैनल। सो गाइस चलते हैं फटाफट से मोबाइल को धूप में लेकर के और देखते हैं क्या वाकई में इसका कलर चेंज होता भी है या फिर नहीं। तो चलो मोबाइल लेकर के बाहर चलते हैं। सो भाई लोगों इसका जो कलर है वो एकदम इंस्टेंटली चेंज हो रहा है। जैसे ही आप धूप में लेकर के आओगे आपको कोई वेट नहीं करना पड़ेगा, इसका जो कलर है वो तुरंत ही चेंज होने लगेगा। तो गाइस आप भी देख रहे हैं ये हल्का सा पिंक हो चुका है, और थोड़ी देर और यदि इसे हम धूप में रखेंगे तो भाई साहब बहुत ज़्यादा ये पिंक हो जाएगा, ज़्यादा ही पिंक हो जाएगा। तो फिर मोबाइल भी बोलेगा पिंक क्लिप्स। तो गाइस काफ़ी प्यारा सा डिसेंट सा फ़ोन है, और जैसे ही दोस्तों हम इसको छाए में लेकर के आते हैं तो इसका जो कलर है वो फिर से चेंज हो जाएगा। और जैसे ही दोस्तों हम फोन को इंडोर में लेकर के आते हैं तो ये व्हाइट कलर में कन्वर्ट हो जाता है। साथ में दोस्तों बात करेंगे मोबाइल के फिंगरप्रिंट सेंसर की, तो काफी अच्छे तरीके से ये वर्क कर रहा है, आप एक बार जरूर देखें। तो काफी प्यारे तरीके से इसका फिंगरप्रिंट सेंसर वर्क कर रहा है। इसके बाद दोस्तों लास्ट में हम अपने मोबाइल को इस मोबाइल केस के साथ लगा करके देखते हैं कि ये वाकई में इसके साथ प्यारा लग भी रहा है कि नहीं। मतलब दिया तो है पर इस्तेमाल जरूर करूंगा कुछ दिन तक, फिर उसके बाद दोस्तों इसे चेंज कर दिया जाएगा क्योंकि ऐसे वाले जो बैक कवर है वो मुझे पसंद नहीं है। वैसे दोस्तों बैक कवर लगाने के बाद इसका लुक प्रीमियम तो दिख रहा है, लेकिन ज्यादा दिन तक ये जो कवर है वो चलने वाला नहीं है। तो अपन इसे चेंज कर देंगे और हम बढ़िया सा मस्त इसके लिए बैक कवर लेकर के आएंगे। और दोस्तों काफी स्मूथ फिनिशिंग के साथ मोबाइल चल रहा है। अगर वीडियो पसंद आया तो फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।